तो स्टैंड ली ने एक्समैन और द एवेंजर्स जैसे सुपर हीरोज को बनाया, लेकिन स्टैंड ली ने मार्वल में ही एक इंडियन सुपर हीरो को भी बनाया है, जिसकी एक एनिमेटेड मूवी और कॉमिक भी काफ़ी साल पहले आ चुकी है। लेकिन ये सुपर हीरो काफ़ी अंडररेटेड है, इसलिए हम में से ज़्यादा सुपर फैंस को इस बारे में पता ही नहीं चला। और इस सुपर हीरो का नाम है चक्रा द इनविंसिबल। और आज हम चक्रा की ओरिजिन और पावर्स की बात करने वाले हैं। तो चक्रा का असली नाम राजू राय है, जो मुंबई का रहने वाला है और जो काफ़ी मासूम बच्चा है। हालांकि राजू के पास फाइटिंग स्किल्स नहीं थे, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी तेज था, जिसकी वजह से वो एक साइंटिस्ट का स्टूडेंट भी हुआ करता था। मतलब राजू को एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता था। लेकिन एक दिन डॉक्टर सिंह राजू को एक सुपर सूट दिखाता है, जिसका नाम था द साइबरनेटिक हाइपर एक्रोबेटिक काइनेटिक रियलाइनमेंट एक्सेलरेशन सूट वर्जन 2.0। और ये सूट नैनाइट से बना था, ठीक आयरन मैन के मार्क 50 आर्मर की तरह। और इस सूट की खास बात ये थी कि इसके नैनाइट्स इसके बिल्डर के डीएनए के साथ बॉन्ड हो जाते हैं, जिसके बाद सूट पहनने वाला इस सूट को यूज़ कर सकता है। बेसिकली ये सूट ह्यूमन के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। ये चक्रों को हम बचपन में शक्तिमान में देख चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी इन चक्रों को मास्टर कर ले तो वो इंसान अपने बॉडी को एक ऐसी पोटेंशियल पर ले जा सकता है जो कभी आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इस सूट को एक्टिवेट करने के लिए डॉक्टर सिंह को कितनी इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत है वो पता नहीं था। डॉक्टर सिंह 7 मिलियन घंटे इलेक्ट्रिक करंट पास करने की सोचता है ताकि चक्रा सूट एक्टिवेट हो जाए। लेकिन तभी कुछ बुरे लोग डॉक्टर सिंह के पास कुछ एविडेंस पेपर लेने आते हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह उन्हें ट्रिक करके पेपर्स लेकर भाग जाता है और राजू से कहता है कि तुम इस सूट को पहन लो। राजू सूट को पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में राजू को वही लड़के मिलते हैं जो उसे स्कूल में परेशान किया करते थे। वो बच्चे राजू की बैग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी राजू के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, जिसकी वजह से राजू एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है। अब राजू सिर्फ सोचने पर किसी भी जगह जा सकता था, लेकिन बाद में राजू को रियलाइज़ होता है कि वो हमेशा एस्ट्रल फॉर्म में नहीं रह सकता। इसलिए राजू मेडिटेशन करके अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देता है और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से चक्रा सूट के नैनो पार्टिकल्स काम करना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से राजू फिर से अपने बॉडी में आ जाता है। और तब से राजू बन गया चक्रा द इनविंसिबल। अब बात करते हैं चक्रा के पावर्स की। तो राजू को अपनी पावर यूज़ करने के लिए अपने बॉडी के 7 चक्रों को एक्टिवेट करना होता है। पहला चक्र है रूट चक्र, जो फाइट करने के लिए, उड़ने के लिए और अपने बॉडी के रिफ्लेक्सेस को तेज करने में मदद करता है। दूसरा चक्र है रक्षा चक्र, जो हिम्मत बढ़ाने के साथ फोर्स फील्ड बनाने में मदद करता है। तीसरा चक्र है सोलार चक्र, जो कि सबसे डेंजरस चक्र है। इस चक्र की मदद से राजू एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी पावर से बड़ी बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। चौथा चक्र है हार्ट चक्र, जो सोलार चक्र को कंट्रोल करने में मदद करता है। पांचवा चक्र है वॉइस चक्र, जो राजू को विजडम देती है। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर सिंह को भी नहीं पता कि वॉइस चक्र को किस लेवल तक यूज़ किया जा सकता है। छठा चक्र है विजन चक्र, जो थॉट और नॉलेज को बैलेंस रखता है। और आखिर में सातवां चक्र है क्राउन चक्र, जो हमें यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट रखता है। मतलब अगर चक्रा अपने क्राउन चक्रों को एक्टिवेट कर दे तो वो एक ही टाइम पर पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बात करें चक्रा के बेसिक एबिलिटीज़ की, तो वो उड़ सकता है, बिना टच किए चीज़ों को उठा सकता है, फोर्स फील्ड बना सकता है और सोलर चक्र को एक्टिवेट करने से कुछ भी जला सकता है। अब चक्रा की कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है, लेकिन सुपरसोनिक साउंड से चक्रा को हर्ट किया जा सकता है। और चक्रा की मूवी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन जितना मुझे चक्रा के बारे में पता चला मैंने आपको बता दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फांसी की सजा नहीं दोगे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चक्रा द इनविंसिबल सुपर हीरो कैसा लगा, क्योंकि ये आखिरकार मार्वल का फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो है। और कमेंट में मुझे बताना कि हमें किस सुपर हीरो पर नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।